हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपनी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं और थ्योरी सेक्शन में आपके दो टॉपिक बच रहे हैं, यानी कि वो सीएलसी और डील यानी कि डेलनेट। तो आज हमारा टॉपिक है डेलनेट का, यानी कि आज हमें पढ़ना है डेलनेट के बारे में। और डेलनेट के बारे में आपके बाद ओसीएलसी यानी कि कल संडे है, ओसीएलसी ख़त्म हो जाएगा। मंडे से आपका क्या है, मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी टॉपिकों के साथ, यानी फोर्थ यूनिट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, डेलनेट। ठीक है, अब डेलनेट की कहानी कहाँ से शुरू होती है। डेलनेट की कहानी आपकी 1988 से शुरू होती है, यानी कि डेलनेट जनवरी 1988 में क्या था, जनवरी 1988 में, देखिए जनवरी 1988 में आपके इंडियन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल सेंटर ग्रंथालय में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था आपका, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के ग्रंथालय में शुरू हुआ था। और 1992 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1992 में एक सोसाइटी टी के रूप में पंजीकृत किया गया था। क्या किया गया था, पंजीकृत किया गया था। अब यह जो बात थी सारी की सारी यहाँ तक शुरू हो गई थी, यानी कि आपको पता लगा 1988 में क्या हुआ, सर आ गया, फिर शुरू हुई और फिर 1992 में वो पंजीकृत हो गया। अब यहाँ से क्या होती है, शुरू होती है यानी कि यह शुरू में क्या था, नेशनल लिखिए, ये शुरू में क्या था, शुरू में नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, बाद में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और लिखिए बाद में क्या हुआ इसका, बाद में नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और एक चीज़ आपको बता होगा कि आपकी लाइब्रेरी किस में है, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। तो क्या हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी कि आपका इंफॉर्मेटिव और सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया और यह ग्रंथालय एक नेटवर्क के तौर पर विकास के लिए यानी कि एक तरह से विकसित करा गया और एक तरह से इम्पोर्टेंट संसाधन के तौर पर, यानी कि नेटवर्क के तौर पर, जैसे आपका क्या, हम क्या पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी नेटवर्क के तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर आपका इसका यानी कि इसका उद्देश्य और उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटरकृत सेवाओं के अलावा सूचना एकत्र करने के लिए, यानी कि डाटाबेस के लिए कहीं ना कहीं, और प्रसार के लिए और संग्रह विकास के लिए,
ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट देखते हुए इसको कहीं ना कहीं कम से कम इन चीज़ों में एक तरह से उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। अब आती है डेलनेट, यानी डेलनेट अपने सदस्य ग्रंथ यानी कि जो ग्रंथालय और कहीं ना कहीं उसकी सारी सुविधाओं को प्रदान करता है, और जो सेवाएँ हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सेवाएं कौन सी प्रदान करता है। सबसे पहले आपका आता है डाटाबेस, डाटाबेस डेवलपमेंट, ठीक है। सेवा कौन सी प्रदान करता है? डाटाबेस डेवलपमेंट, यानी कि डेलनेट क्या करता है? डेलनेट ने विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के डाटाबेस विकसित किए हैं, जिसमें पुस्तकालय, पत्रिका, थेसिस आपके सारे के सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आपका आ जाता है अंतर ग्रंथालय ऋण, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? लाइब्रेरी लोन की बात कर रहे हैं। और प्रलेख वितरण सेवाएं, ठीक है। तो आपके इंटर लाइब्रेरी लोन यानी कि ILL की बात भी इसमें आपके डेलनेट में आपको देखने के लिए मिलेगी। और डेलनेट की साइट क्या है? डेलनेट की साइट है आपके delnet.nic.in, ठीक है। डेलनेट क्या कर रहा है? आपका रख रखाव और ये सारे के सारे नेटवर्क का, आपके डाटाबेस का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे से एक छोटी सी चीज़ और आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है? डेलनेट एक आपको नेटवर्क पता लग गया, यानी डेलनेट एक क्या है? नेटवर्क है जो क्या है? दुनिया भर के में उपयोगकर्ताओं सेवाओं को प्रदान करता है। दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए मेट्रोपॉलिटन ग्रंथालय नेटवर्क का कहीं ना कहीं रूप में शुरू किया गया था। किसके रूप में? जैसे आपका क्या है, आपने सुना होगा लैन कंप्यूटर में क्या है? लैन वैन, ये बिल्कुल छोटे एरिया के लिए, ये सिटी के लिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी मल्टीपल पॉलिटिन ग्रंथालय नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। और इसमें कहीं ना कहीं जब शुरू में करने के लिए एक तरह से जब ग्रंथालय के रूप में शुरू किया गया करके इसमें अपने पंखों के विभिन्न देशों के ग्रंथालय को फैलाया था, यानी कि एक तरह से ये एक तरह से फैलता चला गया था। और इसी कारण कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये छोटे से रूप से बड़े रूप में गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आगे छोटी सी चीज़ और आपको देखनी है कि जो ग्रंथालय ये कहीं ना कहीं आपके पूरे जो नेटवर्क को बैलेंस करके चल रहा है। और बैलेंस करके चलने के बारे में अब हाँ एक चीज़ और आपसे, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है डेलनेट की फुल फॉर्म। डेलनेट की फुल फॉर्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, एक आता है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। फिर आता है एक डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। और मैच द फॉलोइंग में दोनों में से एक चीज़ मिलेगी, या तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क मिलेगा या डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क मिलेगा, और उनमें से आपको जो मिले उसे कर देना है। क्योंकि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के तौर पर आपको डेलनेट देखने के लिए मिलता है ज़्यादा, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था? पहले नेटवर्क आपका डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क के तौर पर देखने को मिलेगा, और अब क्या है? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अब दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के तौर पर आपको मैच द फॉलोइंग में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।